इसका पौधा बहुत यूजफुल है। इसके अलावा साइकस की बात करें तो हम जो डेली यूज में या हमारे घर में साबूदाना वगैरह बनता है वो भी साइकस के पौधे से ही हमको प्राप्त होता है। साइकस का पौधा जो होता है वो स्पोरोफाइट पौधा होता है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है कि साइकस में जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इसके थैलस की तो साइकस का थैलस जो होता है वो हेटरो थैलस होता है। हेटरो थैलस मतलब विषम होता है इसका थैलस। विषम का मतलब ये होता है कि उसमें अलग अलग प्रकार के थैलस स्ट्रक्चर एक ही पौधे में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पोर्स की बात करें तो साइकस में हेट्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। हेट्रोस्पोर्स का मतलब होता है एक ही पौधे में अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का पाया जाता है। तो ये तो मैंने जनरली आपको बेसिक बताया कि साइकस में होता क्या है। अब मैं अगर आपको बात करूंगा आंतरिक संरचना की तो पहले एक हम जनरली देखते हैं कि साइकस की रूट जो है उसकी आंतरिक संरचना में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है। तो मैं एक आपको बेसिक बताऊंगा सबसे पहले कि साइकस जो होता है सबसे पहले इसकी अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, पित्त पाया जाता है। साइकस में सबसे अंदर क्या पाया जाता है, पित्त। पित्त की बात बात करें तो इसमें आपको रेडियल में चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं वेस्कुलर सिस्टम के अंदर। तो जो इसमें फ्लोएम होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं। तो ये आप बना सकते हो, ये क्या हो गए तीन आपके फ्लोएम, फ्लोएम ठीक है। फ्लोएम के बाद अगर हम बात करें जाइलम की तो जाइलम भी इसमें इसी प्रकार से पाए जाएंगे रेडियल शेप में, मतलब एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, इस प्रकार से पाया जाता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसमें दो प्रकार के, इसमें फ्लोएम एक होता है और जाइलम की बात करेंगे तो इसमें जो जाइलम होगा वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की ओर होते हैं, मतलब बाहर की तरफ रहते हैं, वो प्रोटोजाइलम कहलाते हैं, प्रोटोजाइलम ठीक है। और अगर इसी को हम केंद्र की बात करें तो केंद्र की ओर जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ यहाँ जो होते हैं वो होते हैं मेटाजाइलम ठीक है। प्रोटोजाइलम हो गया, मेटाजाइलम हो गया। इसके बाहर हम देखें तो इसके बाहर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये इसमें पाया जाता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल पेरीसाइकिल के बाहर की बात करें तो पेरीसाइकिल के बाहर जो होता है वो क्या होता है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ठीक है। एंडोडर्मिस के बाहर क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। अब कॉर्टेक्स होते हैं दो प्रकार के इसमें, एक इनर कॉर्टेक्स और एक आउटर कॉर्टेक्स। इन इनर और आउटर कॉर्टेक्स के बीच में जो है वो पाई जाती है एक लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल जोन बोलते हैं, एल्गल जोन ठीक है। एल्गल जोन के ठीक बाहर तरफ जो होता है उसको बोलते हैं हम आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। और इसके जो अंदर तरफ होता है एल्गल जोन के उसको बोलते हैं हम इनर कॉर्टेक्स ठीक। और इसके सबसे बाहर जो होता है, सबसे बाहर तरफ जो लेयर होती है वो होती है काई की लेयर, एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस की लेयर ठीक है। एपिडर्मिस में इसमें क्यूटिकल का आवरण भी पाया जाता है। तो ये मैंने एक बताया एक सिंपल वे में कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। अब मैं इसका सिस्टमेटिक डायग्राम आपको टीएस बना के बताऊंगा कि अगर हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमको साइकस के रूट में कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका डायग्राम आप परीक्षा में बहुत आसानी से कलरफुल और बहुत कम समय में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप मेरा ये ओपिनियन है कि सबसे पहले आप क्या बनाएं, नीचे के लेयर से शुरू करें, यहाँ एक सर्किल बना लें, ये सर्किल में आप इस टाइप से आपको बनाना है क्या, एंडोडर्मिस। सबसे पहले जो यहाँ होता है वो क्या होता है, एंडोडर्मिस। इस प्रकार से आप बना सकते हैं सर्किल में ये। तो ये हमारा जो हो गया वो कौन सी लेयर हो गई, एंडोडर्मिस। आप नामकरण करते जाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, एंडोडर्मिस ठीक है। एंडोडर्मिस के ठीक अंदर वाली जो लेयर होती है यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर, ये कहलाएगी आपकी पेरीसाइकिल, ये कहलाएगी आपकी पेरीसाइकिल ठीक है। ये दो लेयर आपको बनाना है सबसे पहले, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल।
इसके बाद आपको बताना है इसमें ये आपका वेस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट कहलाएगा, वेस्कुलर सिस्टम। इसमें आपको बताना है जाइलम और फ्लोएम। जी हाँ, हमने उसमें भी फ्लोएम बताए थे। फ्लोएम जो होते हैं वो आपके इसमें कैसे होंगे, एक ये फ्लोएम हो गया, एक ये फ्लोएम हो गया और एक ये फ्लोएम हो गया। ये आप बता दो ये आपके क्या हो गए, फ्लोएम। ये आपके हो गए फ्लोएम, ठीक है, इस टाइप से। फ्लोएम के बाद तो आपको इसमें स्ट्रक्चर बनाना है जाइलम का। जाइलम भी ऐसे ही पाए जाएंगे, परिधि की ओर होंगे, ठीक है। इसमें जो है वो ऐसा होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। इनको हम डायाद एग्जाम्स बोलते हैं और ये रेडियल शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये हम अगर इसमें बात करेंगे ये, तो इसमें हमको बताना है प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, मेटाजाइलम। तो आप ध्यान रखेंगे जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम हमेशा कहाँ होगा, परिधि की ओर होगा, ये यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, ठीक है ये। और ये जो इस तरफ का हिस्सा होगा इसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम, ये वाला जो हिस्सा होगा ये केंद्र की ओर, इसको हम बोलेंगे मेटाजाइलम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ बीच वाला जो हिस्सा है इसको आपको दर्शाना है, ये क्या है, पित्त। बीच में जो पाया जाता है वो इसमें पित्त पाया जाता है। इसके अलावा आप इसमें इस टाइप से सेल्स बना दीजिए, कॉर्टेक्स सेल्स या जो भी आप बोलें, इस टाइप से आप सेल्स बना सकते हैं। इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो हेक्सागोनल होती है जनरली, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से हेक्सागोनल सेल्स बनानी है जो पेरेंट डायमेटस होती हैं। ये इस प्रकार से इसको फिलअप कर सकते हैं हम। ये हमारा अभी बना जो है वो वेस्कुलर पार्ट बना है, ये हमारा कहलाया वेस्कुलर पार्ट, ठीक है। आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, बीच में होता है आपका पित्त, उसके बाद ये आपका जाइलम, जाइलम में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, मेटाजाइलम केंद्र की ओर, इसके बाद आपका होता है ये फ्लोएम, है ना, जो रेडियल शेप में होता है, इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। इसके बाद पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस। इतना बनाने के बाद आपको इसमें एक ये बनाना है, इसमें कॉर्टेक्स होते हैं बाद। कॉर्टेक्स के पहले आप यहाँ पे बना लो, ये जो आपकी लेयर कहलाएगी ये कहलाएगी एपिडर्मिस। तो आपको ये एपिडर्मिस बनाना है, ये आपकी लेयर है एपिडर्मिस जो बाहर की तरफ होती है। इस एपिडर्मिस में आपका क्या बनाना है, क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है, तो आप यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर भी आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं अपने डायग्राम में, ठीक है। इसका भी नामकरण आप करते चलें। सबसे बाहर ये क्या है, क्यूटिकल की लेयर है, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद इसमें दो प्रकार के कॉर्टेक्स पाए जाते हैं, एक आपको बताना है इंटरनल सॉरी आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। तो जो बाप ऊपर की तरफ होंगे वो आउटर कॉर्टेक्स कहलाएंगे और जो अंदर की तरफ होंगे वो इनर कॉर्टेक्स कहलाएंगे। इस प्रकार से आप कॉर्टेक्स बना सकते हैं हेक्सागोनल या हेक्सापेंटागोनल आकृति होती है जनरली कॉर्टेक्स की। तो ये आपके हो गए कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स मैं आपको इसमें टेनिन सेल्स वगैरह पाई जाती हैं, तो आप इसमें एक दो टेनिन सेल्स बना सकते हैं। टेनिन सेल्स बनाने के लिए आपको इस प्रकार से, टेनिन सेल्स मतलब होता है इसमें पदार्थ भरा होता है, तो इस टाइप से आपको ये दिखानी है टेनिन सेल्स। ये हमारी हो गई, इसमें बीच बीच में टेनिन सेल्स पाई जाती हैं जिसमें लिक्विड्स भरा होता है। तो इस प्रकार से आप अपने, जरूरी नहीं है कि जिस प्लेस में मैं बना रहा हूँ वहीं बनाएं, आप अपने हिसाब से दो तीन चार जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं ये भर सकते हैं। इसमें जो कॉर्टेक्स होते हैं वो पैरन डायमेटिक्स होते हैं, आप इसको नामकरण कर दो, ये आपकी हो गई टेनिन सेल, टेनिन सेल्स होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज और बनाना है, एक चीज में ये पाई जाती है, इसमें पाया जाता है आपका एल्गल जोन्स। तो आपको ये एल्गल जोन्स बनाना है इनर और आउटर कॉर्टेक्स के बीच में, इसमें पाया जाता है एल्गल जोन। तो इस प्रकार से आप एल्गल जोन को समझा सकते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है एल्गल जोन का जो इनर और आउटर कॉर्टेक्स के मध्य में पाया जाता है,
ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आउटर कॉर्टेक्स। ठीक, इसके बाद ये जो कहलाएगा आपका एल्गल जून, एल्गल जून के अंदर फिर आपको बनाना है कौन से कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, ये आपके कहलाएंगे इनर कॉर्टेक्स। क्या कहलाएंगे ये, इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी संरचना बना सकते हैं। अच्छा, इनर कॉर्टेक्स में भी आपको टेनिन सेल्स बनानी है, यहाँ पे एक दो सेल्स ऐसी होंगी जिनको आप क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा टेनिन, ये इस टाइप से सब फिलअप कर देंगे एक दो, तो ये आपका हो जाएगा टेनिन। इस वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बड़े सरल तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस रूट। ठीक है, सबसे बाहर क्या है, क्यूटिकल का आवरण, एपिडर्मिस, फिर आपको आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, बीच में एल्गल जोन है ना, और ये आपका वैस्कुलर सिस्टम। ये तो हो गया डायग्राम, आपको आंतरिक संरचना आएगी तो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर आपको आता है क्या, इसको इसका आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ कि आप किसी डायग्राम को देख देख के उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एपिडर्मिस। सबसे बाहर क्या लिखते हैं, एपिडर्मिस। जी हाँ, एपिडर्मिस क्या होती है, एक स्तर की लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, जिसमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ये सबसे बाहर का स्तर होता है। इसके बाद दूसरा आपको बताना है इसमें क्या, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स आप बता सकते हो, इसमें दो प्रकार के कॉर्टेक्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर कॉर्टेक्स है ना। कॉर्टेक्स जो होते हैं वो पतली भित्ति वाले सेल से बने होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं, इसमें स्टार्च, टैनिन, म्यूसलेज पदार्थ पाया जाता है, लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। लीफ ट्रेस क्या होते हैं, ये आपका मेरा पहले का वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन बताया, उसमें आपको समझ में आएगा लीफ ट्रेस होते कहाँ है, जिसमें पत्तियां वगैरह जहां से निकलती है उसको प्लेस को बोलते हैं हम लीफ ट्रेस, तो वो भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हो, उसमें टैनिन सेल्स, इसके बीच में एल्गल जोन होता है, कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स के बीच में, ये भी बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्टीलर सिस्टम, इसमें आपको बताना है तीसरा स्टीलर, स्टीलर सिस्टम कैसा होता है, तो इसका स्टीलर सिस्टम जो होता है वो डायार्क होता है, एग्जार्च होता है, रेडियल होता है। ठीक है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो ये आप कैसे बताएंगे, ये यहाँ पे आप देखेंगे है ना, इसमें रेडियल आप देखो परिधि में आपको जाइलम फ्लोएम कैसे मिल रहे हैं, परिधि में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं स्टीलर सिस्टम इसमें कैसा होता है। इसके अलावा इसका वैस्कुलर सिस्टम आप बता सकते हैं, चौथा पॉइंट जो होगा आपका वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू इसमें कैसे होते हैं, एंडोडर्मिस इसमें पाया जाता है, पेरिसाइकिल पाया जाता है इसमें, फ्लोएम, जाइलम है ना, प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, प्रोटोजाइलम आपका इसमें परिधि की ओर होता है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है, ये आप बता सकते हो वैस्कुलर सिस्टम में। इसके अलावा इसके पॉइंट्स लिख सकते हो आप, पेरिसाइकिल पाया जाता है इसमें है ना, आप बता सकते हो एंडोडर्मिस पाया जाता है, तो है ना। पेरिसाइकिल कैसा होता है, इसमें पेरिसाइकिल जो होता है मल्टी लेयर होता है, बहुकोशिकीय होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। एंडोडर्मिस कैसा होता है, एंडोडर्मिस में कैस्परी बॉन्ड्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर हम पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस की बात करें तो पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस केवल किसमें पाए जाते हैं, साइकस की रूट में पाए जाते हैं, साइकस की स्टेम में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल नहीं पाए जाते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो तना होगा साइकस का उसमें पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस नहीं प्रेजेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके हम जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे, जिसके जाइलम फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, तो आपको ये बताना है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप लिख सकते हो इसमें, पित्त, पित्त आपका इसमें प्रेजेंट होता है। तो आज आपने देखा, मैंने कोशिश की है आपको बताने की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस रूट, साइकस की जड़ में का आंतरिक संरचना कैसा होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा, कोशिश की है मैंने सारी चीज एक्सप्लेन करने की, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये एग्जाम में जरूर आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से स्टडी करें, और आपको इस तरीके से अगर आप बनाना सीखेंगे तो ये
परीक्षा में।